एप्पल वॉच को भूल चुका हूँ शिमला में, तो पापा से मंगवानी पड़ेगी। लोगों को बिहाइंड द सीन अभी भी आए थे, अभी मैंने इनको भाव नहीं दिया ना तो वापस चले गए, कुछ और करने लग गए, किसी जगह भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया इन्होंने। और हम कहाँ आके पहुँच गए भाई, एक बंजर इलाके में। तैने अपना व्लॉगिंग चैनल तो नहीं खोल दिया? बैग मेरा ले गया हूँ। कपड़े बाकी तो क्या है, ठीक है जी बाय। तो गाइस आज है फर्स्ट डे ऑफ जिम, आज जा रहा हूँ मैं पहले दिन जिम के लिए। आज थोड़ा टफ रहने वाला है, मतलब करूंगा तो मैं लाइट आज, क्योंकि एक तो होने वाला है मेरा टेस्ट, वो BMI वगैरह सब चेक करते हैं उसमें, तो उसमें मुझे पता लगेगा कितना एक्स्ट्रा बॉडी फैट है, कितना मुझे वर्कआउट करना चाहिए, सब कुछ बताएगा। फिर आज मैं करूंगा हल्की हल्की स्ट्रेचिंग, हल्का हल्का कार्डियो और थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज हर एक बॉडी पार्ट की, ताकि ये थोड़ा इनको यूज्ड टू हो जाए। इसलिए धूप मुझे खास तेज नहीं लग रही, ये कुत्ते सारे के सारे, इनको पता ही इस गाड़ी में हम आते हैं और जब भी आते हैं ना इनको बिस्किट देते हैं उतर के, तो ये ना जब भी इस गाड़ी को देखेगा मतलब स्मेल कर लेगी इस गाड़ी को ना, फटाफट भाग के आ जाएगी इस गाड़ी के पास और खड़ी हो जाएगी और एक्साइटेड होकर ना उछलने लग जाएगी कि बिस्किट मिलेंगे बिस्किट मिलेंगे। अभी भी आए थे, अभी मैंने इनको भाव नहीं दिया ना तो वापस चले गए। निकल रहे जिम के लिए और साइड बाय साइड सुनते हुए जाएंगे हम गाने, क्योंकि ये ना मुझे मोटिवेशन देता है, मेरे को हौसला देता है, बस एनर्जी सी आती है गाने सुन के, तो मैं हमेशा जिम ना गाने सुनते सुनते जाता हूँ। तो रूटीन मैंने अभी ये बांधना है कि सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे को मैं जिम चल जाऊँ। सुबह मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यार सुबह एक तो सबसे बेस्ट होता है, सुबह उठने का मेरा एक तो रूटीन बनेगा, सेकंड ऑफ ऑल सुबह ऐसा होता है निपटा के रखा, फिर दिन भर जो काम करना है मेरे पास पूरा दिन बच जाता है। फिर तो भाई जिम में मैं कोशिश करूँगा कम रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि यहाँ गाने चलते फिर आपको होता है कॉपीराइट के इशू। तो ये है हमारा कार्डियो वाला जोन, तो ये है पूरा जोन, तो बस यहाँ पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ थोड़ी, फिर ट्रेडमिल पे भागूंगा, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँगा बस। ट्रेडमिल डन 14 मिनट्स, ऐसे कुछ चाहिए वर्कआउट समरी मेरी। एक तो मैं अपनी वॉच ना एप्पल वॉच को भूल चुका हूँ शिमला में, तो पापा से मंगवानी पड़ेगी, वो हेल्प करता है काफ़ी कि कितनी कैलरीज बनी है, कितनी हार्ट बीट चल रही है सब कुछ। बट फाइनली वर्कआउट डन, एब्स भी मार दी थोड़ी थोड़ी आज, इट वॉज अ गुड वर्कआउट, मज़ा आ गया, आंखें खुल गई आज मेरी, वरना काफ़ी टाइम से सुस्ती सुस्ती थी, बट टुडे आई एम फीलिंग फ्रेश, एक ही दिन में डोला आ गया भाई। भाई साहब यहाँ धूप लगनी क्या शुरू हुई, लोगों ने अपना इनका अपना प्लान यही रखा होता है कि बस दिन को आओ धूप से को मज़े मारो, तो यहाँ रोज़ के ऐसे ही बैठे होते हैं लोग, देखो एक जैसे वहाँ बैठे हैं, थोड़े बहुत यहाँ नीचे अपने गार्डन में बैठे हुए हैं, बाकी यहाँ को भी बैठते थे लोग, कुछ लोग अपनी गाड़ी में बैठते, तो ऐसे ऐसे करके ना आपको काफ़ी लोग मिल जाएगा। और ये देखो नया फ़ोन पकड़ के हमारे भाई, यार मुझे मत दिखाना, तो मेरे को क्यों रिकॉर्ड कर रही, तैने अपना व्लॉगिंग चैनल तो नहीं खोल दिया? फोन है तो सोचा ब्लॉगिंग चैनल मैं खोल, मैं लोगों को बिहाइंड द सीन्स दे। ओहो तो किसमें देगा मुझे बता, तू खुद ले लियो ना, ये तो आप डबल शॉट्स करके डाल सकते हैं, दोनों पर्सपेक्टिव देखने चाहिए ना गाइस, आपको मजा आना चाहिए, ये भी पता चलेगा ना पिक्चर क्वालिटी किसकी ज्यादा सही है। तो गाइस हाँ वो तो चलो वो तो लगेगा ऑब्वियसली यार, 14 भी है यार क्यों नहीं, बाकी गाइस मेरे लिए भी फायदा हो गया, कभी भी मुझे ऐसे लगेगा मेरा फोन फुल है इसमें चार्जिंग नहीं है, या मुझे एक एक्स्ट्रा फोन चाहिए कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, तो भाई का फोन आ गया भाई। बाकी गाइस जिम से मैं वापस आ गया था, कपड़े देखो मैंने अभी तक बदले नहीं है क्योंकि अभी हमने फिर से बाहर जाना है, तो मैं सोचा इन्हीं में ही चलते हैं। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं कुछ सामान लेने, कुछ काम निपटाने, जैसे सबसे पहले तो भाई अपनी ब्लैक पेंथर धुलवानी है, सेकंड हमने फ्रूट्स लाने, थोड़ा अब जैसे जिम जा रहा हूं तो उसके लिए भी कुछ अब डाइट भी लगेगी उस हिसाब से यार, मेनली प्रोटीन डाइट अब सबसे ज़्यादा चाहिए मुझे, ताकि थोड़ा मसल बने ये कम हो फैट, मतलब कोशिश भी यही रहेगी कि जो मैं खाऊं वो सोच समझ कर खाऊं, देख कर खाऊं। क्या काम है, और कटिंग भी करवानी थी मगर भाई हमारा तुम्हारे को लारे लप्पे दिए जा रहे हैं, पहले इसने संडे को बोला था कि भाई वेडनेसडे को चलेंगे फॉर श्योर, आज बोल रहा है फ्राइडे को चलेगा, फ्राइडे को बोलेगा कि संडे को चले। लंबे बाल यार जिम में ना बहुत तकलीफ होती है लंबे बालों के साथ, और सुबह स्पेशली सुबह ऐसा होता है नहा के तो जाऊंगा नहीं जिम। ये कहाँ आके फंस गए भाई हम, हैं एज बे पूरी पूरी आई, तो भाई ये देखो हम कहाँ आके पहुँच गए भाई, एक बंजर इलाके में निकले थे हम सब्जियाँ लेने, जाना था हमने 20 सेक्टर पंचकुला, बट ये
पंचकुला जाते आते पता नहीं कहाँ जाके आ गए भाई। हमने सोचा था हम जाएंगे पीछे पीछे वाले रास्ते से जो सीधा निकलता है अपने अंबाला वाले रोड पे और वो निकलता है सीधा बीच सेक्टर पंचकुला। बट भाई वो बीच से तोड़ा हुआ था रोड, शायद वहां नई सड़क बन रही थी। और को बोल दिया कि यहाँ से डिटूर ले लो और आप पहुंच जाओगे यहाँ से ढकोली इस वाले रास्ते से। बट ये वाला रास्ता भाई ऐसा है कि पूरा पूरा है, यहाँ सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है। और एक पॉइंट यहाँ ऐसा है जहाँ मतलब नाला बह रहा है वहाँ वो डालिए क्या बोलते हैं उसको कलवटे, हाँ कलवटे डालिए। बट वो ऊपर से मिट्टी है और उसके ऊपर मिट्टी डालिए डायरेक्ट उन्होंने। बट वो भी इतनी डाली है भाई कि पूरी एक गाड़ी निकल सकती है, वो भी पूरी पूरी भाई, उससे ज्यादा नहीं निकलेगी भाई। गलती होगी इस रोड से, आज के बाद कभी नहीं होंगे पीछे वाले रोड से। ऐसा खराब रोड है भाई, इतना खराब तो भाई शिमला के लिए, इवन हमारे गांव के लिए नहीं इतनी खराब सड़कें जितनी यहाँ है। शहरों में ये हाल है भाई, फिर हम गांव को बदनाम करते फालतू में। गाड़ी की रग मारने वाली बात है यार, बुरी तरह। वो भी पहले हम एक वो छोटे से रास्ते से आए, फिर अब यहाँ ये मेन रोड से ट्रैफिक में फंस जाऊंगा कुछ टाइम के लिए। बट इस रोड में कभी नहीं भाई, है ना। तो भाई फाइनली उस रोड से निकल के, भारी भरकम रोड से निकल के हम आ गए पीर मुशल्ला। काफ़ी टाइम बाद अब यहाँ आना जाना होता ही नहीं यार, जब से मतलब अब वही गए ना उसके बाद से, मतलब अब जैसे साहिल वगैरह भी यहाँ रहते नहीं, वो भी वहीं रहते हैं हमारे पास सोसाइटी में। तो पहले रीज़न होता था वही के पास आने का, बट अब वो रीज़न भी नहीं रहे, वरना यहाँ हमारे चक्कर लगते रहते थे यार। जब भी मतलब मैं तो चंडीगढ़ आता था, मैं तो आते ही आता था वही, क्योंकि वही खुद ही बुलाते थे, बोलते थे तुम मेरे घर तो आते नहीं, मैं तुम्हारे घर भी हूँ। यहाँ एक ये वॉशिंग सेंटर हमारा ना, उस टाइम जब बुई के टाइम आते थे हम, तो यहाँ होता था कि हम बुई के घर जाते थे, यहाँ गाड़ी धोने के लिए दे देते थे। तो ये वॉशिंग सेंटर हमारा पेट था, तो आप सोचा आज भी यहीं आते, यहाँ आगे गाड़ी धुलवाते हैं, फिर सब्जियाँ लेंगे और बाकी खाने पीने का लेंगे, फिर निकल पड़ेंगे। तो भाई पहली बारी मैं देख रहा हूँ जेसीबी मशीन को वॉशिंग सेंटर में लगते हुए, वो भी धुलते हुए। अभी धुलनी शुरू तो नहीं है, बट देखो लग चुकी है ना। बट भाई बहुत टाइम लगा इन्होंने यार, इतना टाइम। और सीन क्या था, मतलब जो भी गाड़ी आ रही थी सब पकड़ रहे थे और एक गाड़ी को भी अच्छे से साफ नहीं कर रहे थे। सही बात है, जैसे मेरी गाड़ी में पानी मार दिया, फिर दूसरी पकड़ ली, उसमें कुछ और करने लग गए। इसी जगह भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया इन्होंने, मतलब वो कोई गाइड करने वाला मैनेज करने वाला था ही नहीं, कोई बताया कि नहीं भाई ये कर पहले ये अच्छे से कर, कोई था ही नहीं। सारे बच्चे बच्चे जैसे इकट्ठे हुए हुए बस करने लगे हुए। आपको भूख लग रही खाते फिर कुछ यहाँ पे नीचे, वो नहीं तेल लगाते हैं ना। ये देखो वैसे 300 रेट था, मैंने सिर्फ 200 दिए। क्यों दिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा भी गंदा हुआ है। वैक्यूम चलो उन्होंने मारा, बट ये सारी जगह भी साफ करनी पड़ती है भाई, कुछ साफ नहीं किया उन्होंने अच्छे से। देखो मैंने गाड़ी धुलवाने का मेरा रीजन यही था कि चलो गाड़ी साफ हो जाएगी, बट नहीं भाई। ये चाहता था आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे भाई तूने इतने पैसे कम क्यों नहीं, प्रूफ दे रहा हूँ। देखो मिट्टी देख रहे हो, डस्ट साफ दिख रही है यार, ये सब साफ होना चाहिए। किस बात की गाड़ी, लग रहा है गाड़ी धुलवाई अंदर से। ये रहे हमारे फ्रूट्स, ये केले, ये रही हमारी सब्जियां। तो ये हफ्ता 10 दिन का सामान होता है बेसिकली जो हम ला के रखते हैं। यही चकवा बस, पकड़ लोगे ये भी देखो कैसे ले जाएंगे। नहीं नहीं ये तो ले आऊंगा मैं, कोई नहीं। ये अच्छी लगती है गाड़ी ऐसे यार साफ, देखो वरना अभी शिमला से ला के कितनी गंदी हो गई थी। और इसको देखो, हाँ भाई चुटकू राम, ये सब ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर चढ़ोगे तो पिटाई। बस ठीक है, गुड बॉय। आ रहे अभी